गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं इस टॉपिक में यूनिट 5 का लास्ट टॉपिक रहेगा, टॉप 10 स्टार्टअप्स इन इंडिया के बारे में बताऊंगा कि इंडिया के टॉप 10 स्टार्टअप्स कौन कौन से हैं, इनके फाउंडर्स क्या हैं, लॉन्चिंग ईयर क्या है और इनका हेडक्वार्टर और बहुत सारे पॉइंट्स। तो सबसे फर्स्ट मैं बताऊँगा इन मोबी एड टेक इंडिया स्टार्ट टू इन मोबी। नवीन तिवारी फाउंडेड इन मोबी इन 2006 बट इट पाइवर्टेड टू बिकम अ मोबाइल एडवर्टाइजिंग एंड कंटेंट डिस्कवरी प्लेटफॉर्म एट अ लेटर स्टेज। मतलब नवीन तिवारी ने 2006 में इन मोबी को स्टार्ट किया था। ये मोबाइल एडवर्टाइजिंग और भी जितने भी प्लेटफॉर्म थे इसके बाद इसको स्टार्ट किया था। इन मोबी सपोर्ट्स बिजनेसेस इन लॉन्चिंग कैप्टिवेटिंग एड कैंपेन्स ऑन मोबाइल डिवाइसेस थ्रू ऐप पार्टनर्स एंड मेकिंग स्मार्ट मार्केटिंग डिसीजन ऑन वेयर टू स्पेंड देयर मनी। ये एक प्रकार का एक ऐसा स्टार्टअप बिजनेस था जिसमें ऐप पार्टनर्स के थ्रू में बहुत सारी चीज़ों को मार्केटिंग बिजनेस के थ्रू में जोड़ने का निर्णय किया। तिवारी लेड अ नंबर ऑफ एक्विजिशंस इन मोबी ग्रोइंग द कंपनी सो फेनोमिनली दैट इट बिकम इंडियाज फर्स्ट यूनिकॉर्न। और इसने ये एक इनोमी जो है बहुत सारे कंपनियों को बढ़ाने के लिए ये स्टार्ट किया था। फाउंडेड एज एन SMS बेस्ड मोबाइल सर्च प्लेटफॉर्म कॉल्ड MHKOJ। इसने ये जो है इन्होंने SMS बेस्ड मोबाइल सर्च के बारे में स्टार्ट किया था। इन मोबी मोबाइल एट द डिस्कवरी नेटवर्क करंट सर्व्स ओवर 1.64 बिलियन डिवाइसेस। इन्होंने मार्च 2019 तक 64 बिलियन डिवाइसेस स्टार्ट की। द एड टेक स्टार्टअप टर्न प्रॉफिटेबल इन लास्ट क्वार्टर ऑफ 2016 एंड सून आफ्टर क्रॉसिंग 1 बिलियन एक्टिव डिवाइसेस इन 2015। 2006 तक लास्ट क्वार्टर तक इन्होंने ये स्कोर ज़्यादा प्रॉफिटेबल किया और ज़्यादा से ज़्यादा जल्द से जल्द 2015 में 1 बिलियन एक्टिव तो इन्होंने स्टार्ट किया। और साथ ही साथ ये फेसबुक और गूगल के मोबाइल इंटरनेट एड स्पेंडिंग पाई भी बनी और इसका लॉन्च ईयर था 2007। फाउंडर्स हैं इसके नवीन तिवारी, अमित गुप्ता और मोहित सक्सेना। हेडक्वार्टर्स इसका बेंगलोर है। टोटल फंडिंग 320 MN। की इन्वेस्टर सॉफ्ट बैंक, ग्रेनियर पर्किंस, कॉफील्ड बेयर्स और कैपिटल पार्टनर्स, सरपलो वेंचर्स और यूनिकॉर्न सिंस हुआ था ये 2014 में। एस्टिमेटेड वैल्यूशन इसकी 1 करोड़ BN। अब सेकंड जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और सभी लोग इसके बारे में जानते हैं, स्विगी। कंज्यूमर सर्विसेज फूड टेक स्टार्टअप के नाम से था स्विगी। स्विगी स्टार्टेड इट्स ऑपरेशन इन बेंगलोरस वेनोरेबल करोमनंगला नेबरहुड इन 2014। स्विगी को जो स्टार्ट किया था बेंगलुरु में स्टार्ट किया गया था करोमनंगला नेबरहुड 2014 में। कवरिंग अ जस्ट वन नेबरहुड विथ 6 डिलीवरी एग्जीक्यूटिव्स एंड 25 पार्टनर्स रेस्टोरेंट। इसके साथ में 6 डिलीवरी नेबरहुड एग्जीक्यूटिव थे और 25 पार्टनर्स रेस्टोरेंट थे। इट प्रोवाइड्स अ कम्प्लीट फूड ऑर्डरिंग डिलीवरी सोल्यूशन फ्रॉम वाइड रेंज ऑफ रेस्टोरेंट ऑफ अर्बन फूडी। इसका जो मेन उद्देश्य था कि फूड ऑर्डर लेकर के इसको डिलीवर करना, ऑनलाइन डिलीवर करना, और इसके साथ बहुत सारे अर्बन एरिया के रेस्टोरेंट भी इसके साथ में अटैच थे। टुडे इट हैज़ अ 2.1 लाख एक्टिव डिलीवरी पार्टनर्स। आज के डेट में इसके 2.1 लाख एक्टिव डिलीवरी पार्टनर्स हैं। नियरली 1.4 MN फूड ऑर्डर्स डेली अक्रॉस इंडिया। मतलब 1.4 मिलियन से भी ज़्यादा पूरे भारत में जो है फूड डिलीवरी ऑर्डर लिए जाते हैं स्विगी के थ्रू, कंपेयर विद अबाउट 700K ऑर्डर्स पर डे लास्ट ईयर। लास्ट ईयर में 700 के केल्विन जो है ऑर्डर लिए गए। और आज की डेट में देखेंगे ये जब ये इसका जो लॉन्च ईयर था 2014 था, फाउंडर थे नंदन रेड्डी, राहुल जैमिनी, श्रीहर्षा मैजती और हेडक्वार्टर से इसका बेंगलुरु। टोटल फंडिंग थी 1.27 बिलियन। की इन्वेस्टर है DST ग्लोबल, नेस्पर्स, डिसेंबर वेंचर पार्टनर्स, नॉर्वेस्ट वेंचर पार्टनर्स और सेफ पार्टनर्स। यूनिकॉर्न सिंस स्टार्ट हुआ 2018 में। एस्टिमेटेड वैल्यूएशन है $3.3 बिलियन। अब तीसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये भी फ्लिपकार्ट, जिसको सभी लोग यूज करते हैं। ये एक ई कॉमर्स स्टार्टअप था, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स स्टार्टअप है फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट वॉज फाउंडेड बाई सचिन एंड बिन्नी बंसल इन 2008 विथ अ सम ऑफ 6,000 रुपीज इन INR फुल।
4 लाख, यानी कि फ्लिपकार्ट के जो फाउंडर थे सचिन और बिल्ली बर्सन ने 2008 में स्टार्ट किया था, जो इंडियन करेंसी में 4 लाख रुपए से इन्होंने ये स्टार्ट किया था। इट वेंट टू बिकम वन ऑफ द लार्जेस्ट ई कॉमर्स स्टार्टअप इन इंडिया, इज नाउ वैल्यूड एंड होपिंग 20 करोड़ बिलियन डॉलर। तो आज के डेट में आप देखोगे ये लार्जेस्ट ई कॉमर्स स्टार्टअप्स हो गई है पूरे भारत में। फ्लिपकार्ट हैड मैनी माइल स्टोन इन इट्स डिकेड लॉन्ग जर्नी, और ये दशकों के एक फ्लिपकार्ट एक माइल स्टोन जर्नी बन गई है। वन ऑफ द बिगेस्ट बींग द 16 बिलियन रुपीज इन्वेस्टेड बाई वॉलमार्ट, मेकिंग इज द लार्जेस्ट ई कॉमर्स डील इन द वर्ल्ड। और पूरे भारत पूरे वर्ष मतलब कह दो वर्ल्ड में वॉलमार्ट को इन्वेस्ट करते हुए उन्होंने बहुत सारी इन्वेस्टमेंट बनाया। एंड सिंस देन इट इज ऑल्सो वर्जेंट इन पेमेंट्स बिजनेस सार पर फोकस ऑन फोन पे, इसका फोकस जो था फोन पे के थ्रू भी आप कर सकते थे, इन टू अ यूनिकॉर्न बाई इट सेल्फ। लॉन्च ईयर था 2007, फाउंडर्स हैं इसके बिन्नी बंसल और सचिन बंसल, हेडक्वार्टर इसका बैंगलोर है, टोटल फंडिंग रुपीज में 7.3 बिलियन, की इन्वेस्टर सॉफ्ट बैंक, नेस्पार्ट, टाइगर ग्लोबल मैनेजमेंट, माइक्रोसॉफ्ट है, टेंसेंट है, ईबे है, स्टेट व्यू कैपिटल, डीएसटी ग्लोबल और एक्सेल पार्टनर्स। यूनिकॉर्न ने सिंस का 2012 बायजूस, बायजू ऐप जो है एक एजुकेशन ऐप है, एड टेक मतलब एजुकेशन ऐप से रिलेटेड है ये। व्हाट स्टार्टेड आउट अ सिंपल ई लर्निंग प्लेटफॉर्म हैज ग्रो वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ई एड टेक ब्रांड्स। आज के डेट में ये ई लर्निंग का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म हो गया है, ये वर्ल्ड के लार्जेस्ट एडटेक ब्रांड्स के नाम से भी आज के दिन ज्यादा जाता है। वैजू स्टूडेज ऑफर्स वेरियस ऑनलाइन सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज सूटेड टू द इंडियन स्कूलिंग सिस्टम अलॉन्ग विथ ऑनलाइन स्टडी मटेरियल फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन सच एज IAS, CAT, CREE स्टडी मटेरियल फ्रॉम क्लास 4th to 10th फॉर बोथ CBSE, ICSE स्टूडेंट इन लर्निंग मॉड्यूल फॉर प्री स्कूल चिल्ड्रेन। वैजू ऐप आज की डेट में एक ऑनलाइन सीनियर सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी के लिए ऑनलाइन ई एजुकेशन क्लासेस और ऑनलाइन स्टडी मटेरियल, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जैसे IAS, CAT और भी जो बड़े बड़े एग्जामिनेशन है उसको प्रोवाइड कराता है। साथ ही साथ क्लास 4th से लेकर के 10th तक के CBSE और ICSE स्टूडेंट के लिए एक ऑनलाइन लर्निंग कोर्सेस से ये जो है प्रोवाइड करता है। इसका लर्निंग ऐप में रजिस्टर्ड 35 million यूजर्स है। और द कंपनी सेड अप्रैल 2019 से बायजू जो है अक्रॉस 200 करोड़ मंथली रिवेन्यू है इसकी, और ये बहुत सारे लोग स्टूडेंट्स जो है इस ऐप्स का यूज करते हैं, स्टूडेंट क्लास 4th से लेकर के और भी बड़े बड़े कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन तक। इसका लॉन्चिंग ईयर है 2008, फाउंडर्स हैं बायजू रविंद्रन और दिव्या गोकुलनाथ, हेडक्वार्टर इसका बैंगलोर है, टोटल फंडिंग 18,819 million है, की इन्वेस्टर जनरल अटलांटिक, टेनिकेंट्स होल्डिंग्स और आर्यन कैपिटल, यूनिकॉर्न सिंस 2018। और नेक्स्ट 5th नंबर है फ्रेश वर्कर्स, एंटरप्राइज टेक स्टार्टअप्स है ये। ग्रीस मथुर बूथम द फाउंडर्स ऑफ एसास स्टार्टअप फ्रेश वर्कर्स फॉर्मली फ्रेश वर्क्स इज है held as a thalaivia and boss in Tamil of Indian SaaS industry. Mathuran has taken a fresh works from strength to strength since his founding 2010. Today the startup is member of the burgeoning unicorn club of India, value है 1.5 million। ये एक प्रकार का स्टार्टअप बिजनेस है जिसमें बहुत सारे लोग जो है काम करते हैं। लॉन्च ईयर है इसका 2010, फाउंडर्स हैं गिरीश मथुरादम, हेडक्वार्टर्स इसका चेन्नई है, की इन्वेस्टर एक्सेल से है, एक्सेल स्क्वायर कैपिटल इंडिया, और एस्टिमेटेड वैल्यूएशन यूनिकॉर्न सिंस है 2018। तो ऐसे बहुत सारे स्टार्टअप बिजनेस हैं जो आज के डेट में इंडिया में काम कर रहे हैं। नेक्स्ट स्टार्टअप बताऊंगा पेटीएम फिनटेक, ये फिनटेक स्टार्टअप पेटीएम आज के डेट में इसको पूरे ऑल इंडिया में देखिए यूज किया जा रहा है। पेटीएम पर यूज जो है आप कोई भी ऑनलाइन ऑनलाइन पेमेंट के लिए आप आसानी से कर सकते हैं। वाइल पेटीएम बिगेन एंड डिजिटल वैलेट, ये जब पेटीएम स्टार्ट हुआ तो एक डिजिटल वैलेट को स्टार्ट करते हुए दिखाया गया। इट हैज मॉर्फेड एंड टेकन न्यू वर्टिकल्स विद इन अ पेमेंट्स मेनी टाइम्स ओवर द ईयर्स। आप किसी भी पेमेंट्स को किसी भी साल इसको आप आसानी से कर सकते हैं। टू इट्स क्रेडिट पेमेंट हैज मैनेज टू केव सर्विसेज रिलेवेंट एंड कंप्लेन टू द चेंजिंग रेगुलेटरी एंड फिनटेक ट्रेंड्स। और आज के डेट में ये
पेमेंट के लिए, भुगतान करने के लिए किसी भी चीजों को आप आसानी से फिनटेक ट्रेंड्स में आप इसको आप यूज कर सकते हो। इट क्लेम्स टू हैव मोर देन 130 MN एक्टिव यूजर्स टूडे। आज की डेट में इसके एक्टिव यूजर 130 MN है पूरे इंडिया में। बिसाइड्स इंडिविजुअल पेमेंट्स एंड ट्रांजेक्शन, इसको अपन इंडिविजुअल पेमेंट्स और ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। कस्टमर कैन पे बिल्स, यूटिलिटी ट्रांसफर टू द बैंक अकाउंट्स के थ्रू भी कर सकते हैं, बुक फ्लाइट्स भी बुक कर सकते हैं, ट्रेन बुक कर सकते हैं और मूवी टिकट और बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हैं इसमें। तो इसमें और 6 न्यू एंटिटी के ऐप पेटीएम के, पेटीएम का फाइनेंशियल सर्विसेज है, पेटीएम इंटरनेट एंटरटेनमेंट के थ्रू पेटीएम कर सकते हैं, पेटीएम के थ्रू मनी पेमेंट कर सकते हैं, पेटीएम मॉल भी है और पेटीएम इंश्योरेंस है, कॉरपोरेशन एंड मोर बहुत सारी चीज़ें। इसके जो फाउंडर से विजय शेखर शर्मा, लॉन्च ईयर 2010, हेडक्वार्टर दिल्ली NCR, टोटल फंडिंग 2.5 billion है, की इन्वेस्टर सॉफ्टबैंक, अलीबाबा, बर्कशायर हैथवे, सैफ पार्टनर्स, इंटेल कैपिटल एंड सैफ वेंचर्स। नेक्स्ट है आपका 7, डिलीवरी। डिलीवरी एक लॉजिस्टिक स्टार्टअप है। लॉजिस्टिक यूनिकॉर्न डिलीवरी इज ब्रेन चाइल्ड ऑफ साहिल बारुआ, मोहित टंडन एंड सूरज सहारन। ये जो डिलीवरी को उन्होंने स्टार्ट किया था साहिल बरुआ ने, और मोहित टंडन है, सूरज सहारन है। डिलीवरी वॉज लॉन्च इन 2011 विद द एम ऑफ डिस्टर्बिंग लॉजिस्टिक सप्लाई चेन मार्केट इन इंडिया। सप्लाई चेन को के लिए 2011 में स्टार्ट किया गया था ये स्टार्टअप्स। The startup currently provides services in about 600 cities across 8,500 pin codes in India. ये पूरे भारतवर्ष में 600 सिटियों में है, जो इसमें 8,500 पिन कोड्स हैं। It has 12 fulfillment centers B2C, यानी कि business to customer, business to business services provide करता है, और इसके जेंट्स हैं Flipkart और Paytm, इसके साथ में काम करते हैं। Launch year 2011 था। इसके फाउंडर्स का नाम है भावेश मलंगरानी, कपिल भारती, मोहित टंडन, साहिल बरुआ एंड सूरज सहारन। हेडक्वार्टर दिल्ली NCR है। टोटल फंडिंग 670 MN। की इन्वेस्टर्स के सॉफ्टबैंक है, स्कार्टली है, टाइगर ग्लोबल, नेक्सस वेंचर पार्टनर्स और टाइम्स इंटरनेट, और यूनिकॉर्न सिंस है 2019। तो ये इसके डिलीवरी के बहुत सारी चीज़ें। इसके बाद नेक्स्ट है ड्रीम 11। ड्रीम 11 आज के भी देखेंगे एक, ये भी एक बहुत बड़ा फेमस स्टार्टअप्स है जो आज के डेट में बहुत सारे गेम्स में इसको यूज किया जाता है। नोबडी थॉट इंडिया वुड हैव अ गेमिंग स्टार्टअप्स। ये एक प्रकार का गेमिंग स्टार्टअप था, अन ग्लोबल एक्लेम, इसको ग्लोबल लेवल में अपन कर सकते हैं। बट ड्रीम 11 हैज डन जस्ट दैट इन लार्जली बिकॉज ये बहुत बड़ा है, एसोसिएशन है विद द लार्जेस्ट क्रिकेटर्स इन द वर्ल्ड। इसको अपन वर्ल्ड के बड़े से बड़े क्रिकेटर को आप इसमें एसोसिएट बने हुए। एंड इट्स फोकस ऑन कैप्चरिंग द मार्केट अराउंड टूर्नामेंट्स सच एज इंडियन प्रीमियर लीग। ये बहुत सारे प्रीमियम लीग में यूज किया जाता है, जैसे IPL हो गया, एज वेल एज कस्टमिंग फैंटेसी फुटबॉल गेमिंग, और कस्टमरिंग फैंटेसी फुटबॉल गेमिंग में इंडिया मार्केट में यूज किया जा रहा है। इट टुक द कंपनी 3 years टू हिट द फर्स्ट मिलियन यूजर्स, सून आफ्टर दैट अक्रॉस 3 million यूजर्स। पहले स्टार्टअप्स में फर्स्ट मिलियन यूजर्स थे, आज के डेट में इसके 3 crore यूजर्स हैं लेस देन 2 मंथ के अंदर। टुडे ड्रीम 11 बोस्ट एंड 50 million यूजर्स। आज के डेट में ड्रीम 11 में 50 crore से ज़्यादा यूजर्स हैं। स्पोर्ट्स रिलेटेड वेबसाइट्स हैं इसके अंतर्गत, जो ज़्यादा से ज़्यादा बहुत सारी क्रिकेट मैचेस को ये कवर करता है। इसका लॉन्च ईयर है 2011। फाउंडर्स है हरीश जैन और भावित सेठ। हेडक्वार्टर्स इसका मुंबई है। टोटल फंडिंग इसका 100 million है। की इन्वेस्टर स्टीव डेव कैपिटल, कलारी कैपिटल, थिंक इन्वेस्टमेंट और मल्टीपल्स इक्विटी। एस्टिमेटेड वैल्यूएशन है 1 crore billion। ओला, नेक्स्ट पॉइंट है आपका ओला। भावीस अग्रवाल वॉज ट्रेवलिंग फ्रॉम बेंगलुरु टू बंदीपुर के अंदर, ड्राइवर हिज कैब अबॉन्डेड इन रूट डेस्टिनेशन ओवर अ फेल्ड रिकॉग्निशन ऑफ द डील। भावीस अग्रवाल ने बेंगलोर से एक बंदीपुर में यात्रा की, जो एक कैब के माध्यम से उसने एक बुक किया, जिसमें उन्होंने अपने एक्सपीरियंस को शो किया था। हिज एक्सपीरियंस ऑफ बीइंग स्ट्रैंडेड इन द मिडिल ऑफ द नोवेयर ड्रोव अग्रवाल टू लॉन्च कैब एग्रीगेशन स्टार्टअप ओला। और उन्होंने एक ड्रोव अग्रवाल ने एक कैब स्टार्ट किया था, और इसके को फाउंडर थे अंकित भाटी
आफ्टर एक्सटेंसिव मार्केट रिसर्च, और एक्सटेंसिव मार्केट रिसर्च करने के बाद ओला वॉज बॉर्न इन 2010, और ओला का जो स्टार्ट हुआ 2010 में, एंड नाउ ऑफरिंग सर्विस अक्रॉस 50 सिटीज इन इंडिया। इंडिया के बाहर 50 शहरों में ये सर्विसेज प्रोवाइड है, यूके में भी है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। द कंपनी क्लेम्स टू कंप्लीट ओवर बिलियन राइड्स एनुअली विद इन 1.5 मिलियन ड्राइवर्स, और इस कंपनी में कम से कम 1.5 करोड़ से ज़्यादा ड्राइवर हैं। ओला सर्विसेज ऑनलाइन बुकिंग की जाती है, इसके थ्रू में ऑटो रिक्शा, बाइक्स एज वेल एज व्हीकल्स, बाइक्स जैसे व्हीकल भी बुक किया। इट हैज़ ऑल्सो कम अप विद अ कनेक्टेड कार प्लेटफॉर्म कॉल्ड ओला प्ले, और ये कार प्लेटफॉर्म से कनेक्टेड है, जैसा आप कह सकते हो। ओला प्ले रिसेंटली वेंचर्ड इन टू द सेल्फ ड्राइविंग मार्केट, ओला ड्राइव, आज की डेट में इसको सेल्फ ड्राइविंग मार्केट के नाम से भी जाना जाता है। इट्स ऑल्सो बेटिंग बिग ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स विद ओला इलेक्ट्रिक, और इलेक्ट्रिक व्हीकल के साथ भी जुड़ा है, जिसका नाम ओला इलेक्ट्रिक है, विच बिकम इंडियाज फास्टेस्ट यूनिकॉर्न अर्लियर दिस ईयर, और आज के डेट में इंडिया में ये फास्टेस्ट हो चुका है। ओला बहुत सारे शहरों में यूज करते हैं, बहुत सारे लोग बहुत सारे सिटीज में इसको अपन रेंटल चार्ज में भी यूज करते हैं। लॉन्च ईयर इसका 2010, फाउंडर्स इसके भावेश अग्रवाल और अंकित भाटी, हेडक्वार्टर दिल्ली एनसीआर, टोटल फंडिंग 3.2 बिलियन, की इन्वेस्टर है सॉफ्ट बैंक, टेंसेंट होल्डिंग्स, टेक्ने कैपिटल, और एस्टिमेटेड है आपका 6.2 बिलियन। और लास्ट है आपका ओयो ट्रेवल टेकोयो, ये एक ओयो जो है, ओयो के थ्रू आप होटल रेस्टोरेंट आप बुक कर सकते हैं वैकेशन पर भी, और वो कहीं भी आप जा रहे हैं तो किसी कंट्री किसी जगह में आप आसानी से ओयो के थ्रू में आपको होटल या रेस्टोरेंट जो रेंट है कम चार्जेस में अवेलेबल हो जाता है। रितेश अग्रवाल हु स्टार्टेड आउट ऑफ तीन टीन एंटरप्रेन्योर, और रितेश अग्रवाल ने टीन एंटरप्रेन्योर के साथ मिलकर के स्टार्ट किया, हैज ट्रांसफॉर्म्ड हिज स्टार्टअप इनटू इंडियाज लार्जेस्ट हॉस्पिटलिटीज कंपनी, इसके साथ में बहुत सारी लार्जेस्ट हॉस्पिटलिटी कंपनी है। ओयो करंटली ऑपरेट्स इन मोर देन 800 सिटीज अक्रॉस इंडिया, चाइना, यूए, मलेशिया, यूएस, यूरोप, इंडोनेशिया एंड अदर कंट्री। ओयो आज की डेट में भारत में 800 शहरों में, चाइना में, यूएई में, मलेशिया में, यूएस में, यूरोप, इंडोनेशिया और भी बहुत सारी कंपनियों में है। विथ मोर देन 35K होटल्स, इसके अंतर्गत 35K होटल्स है, 125K वेकेशन होम है, 1.2 मिलियन होटल रूम्स हैं 800 सिटियों में एंड 80 कंट्रीज में ये है, ठीक है। तो इसके लॉन्च ईयर था आपका 2013, फाउंडर्स इसके रितेश अग्रवाल, हेडक्वार्टर दिल्ली एनसीआर, टोटल फंडिंग थी इसकी 1.7 बिलियन, की इन्वेस्टर सॉफ्ट बैंक, ग्रीन कैपिटल, हाउजी होटल्स ग्रुप और इसके लाइट स्पीड वेंचर पार्टनर्स। एस्टिमेटेड वैल्यूएशन 16 बिलियन थे। ऐसे बहुत सारे और भी स्टार्टअप्स हैं, इसके अलावा भी आप इस स्टार्टअप के बारे में पढ़ सकते हैं। थैंक यू।